हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि पीडीएफ फाइल क्या है और आप अपने मोबाइल फोन से पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हो, वो भी इस आसान तरीके से। और वो सारे फीचर ऐड करेंगे जो एक 80 पीडीएफ में होते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, पीडीएफ क्या है? पीडीएफ यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आप इंटरनेट के माध्यम से कहीं आसानी से भेज सकते हो, यानी कि टेक्स्ट, इमेज, आप उसमें कुछ भी डाल सकते हो और उसका एक डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हो, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल इसका फुल नाम है। और आप इसको आसानी से कहीं भी भेज सकते हो और ये आसानी से रीडेबल होती है। और आपके एंड्रॉयड मोबाइल में या तो पीडीएफ रीडर या फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट गूगल डिस्क होता है वो उसको रीड कर लेता है। तो अब हम पता करते हैं कि पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत होगी। मैं इस वीडियो में उस ऐप का नाम और एक वेबसाइट भी बताऊंगा जो आप बिना ऐप के भी बना सकते हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ पर टाइप कीजिए पीडीएफ क्रिएटर। सो ये टाइप करते ही आपको ये पीडीएफ क्रिएटर सिंबल ये आप दिखाई दे रहा है, ये डाउनलोड करना है। सो ये ऐप आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसकी रेटिंग कम बताई जा रही है, लेकिन ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, पता नहीं क्यों कम रेटिंग है। इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इसका उपयोग, लोगों शायद उपयोग करना नहीं जानते होंगे, मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ फिर उपयोग करना आपको बता दूंगा। सो दोस्तों, इसको एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। सो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये परमिशन मांग रहा है तो आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद अलाउ पर क्लिक करना। अलाउ पर क्लिक करने के बाद ये कुछ फीचर अनलॉक करने को बोल रहा है, इसलिए ओके पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यूज एक्सेस है, इस पर क्लिक करना है और इसको एक्सेस दे देनी है। इसको देने के बाद आप ट्यूटोरियल पढ़ना नहीं चाहते, अगर आप हेल्प करना जानना चाहते हो तो आप यहाँ पर स्टार्ट ट्यूटोरियल पर क्लिक कर सकते हो, वरना कैंसिल पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही ये मैंने पहले फाइलें बनाई थी वो है। इसके अगर नई बनाना चाहते हो आप एकदम नई, तो ये प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आप कैसी पीडीएफ, स्टैंडर्ड पीडीएफ, इमेज पीडीएफ, वेब टू पीडीएफ, पीडीएफ किससे पीडीएफ बनाना चाहते हो, जैसे आप इमेज से पीडीएफ बनाना चाहते हो या टेक्स्ट से पीडीएफ बनाना चाहते हो। स्टैंडर्ड पीडीएफ है, ये टेक्स्ट है, इमेज, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो आसानी से, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं ये बता देता हूँ, बाद में इनका भी आपको फीचर बता दूंगा। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डेमो। ये मैंने आपको नाम दे दिया मेरी फाइल का और ओके पर क्लिक करना। ओके पर क्लिक करने के बाद ये न्यू फीचर है, आप ओके पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप इनेबल या डिसेबल यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना है, मतलब कुछ भी टाइप करना है, जैसे आप बड़े अक्षरों में टाइप करना चाहते हो तो ये बोल्ड को टाइप कर दीजिए और फिर आपको टाइप करोगे वो बड़े अक्षरों में टाइप होगा। सो दोस्तों, अगर आपने कहीं से कॉपी कर रखा है और आप उसको पीडीएफ में बदलना चाहते हो तो उसको भी आसानी से बदल सकते हो। आप यहाँ पर टाइप किए रखे और पेस्ट पर क्लिक कीजिए। इस पर पेस्ट पर क्लिक करते ही वो सारा टेक्स्ट यहाँ पर तो आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये कुछ ब्लैक है और आपको ये यहाँ से देख लीजिए एंड पेज आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर टाइप करने के बाद आप एक स्पेस दीजिए, क्योंकि नीचे की लाइन इसमें एप्लीकेशन में थोड़ी सी कट जाती है, तो इसके लिए मैं आपको फायदे के लिए ये बता रहा हूँ। इसके बाद में मूव नेक्स्ट पर डबल के लिए मूव नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ये दूसरा पेज अपने आप क्रिएट हो गया, आप देख सकते हो, और मूव कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये मेरे टोटल पेज तो बन गए हैं जितने बनने थे। अब मैं आपको बता देता हूँ इसको डेकोरेट कैसे करोगे, यानी कि आप अपने किसी कुछ इमेज है, ये ऊपर मैंने टाइटल लिखा है तो इसको आप बोल्ड करना चाहते हो या फिर कुछ करना चाहते हो, तो आप इसको पूरा सेलेक्ट कीजिए, ये बोल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पर क्लिक करके भी आप बोल्ड कर सकते हो, जैसे ये फाइल का नाम है तो ये बोल्ड हो गया है। और फीचर भी है, मैं आपको बता दूंगा। सो दोस्तों, ऐसे बोल्ड कर सकते हो, ये पीडीएफ है, मैं इसके सामने आपको दिखा।
सो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसमें अगर आप टेक्स्ट के साथ इमेज भी ऐड करना चाहते हो तो आपको कैसे करना है। तो इमेज ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे स्पेस दे देना है क्योंकि ये इमेज इस टेक्स्ट के ऊपर इंस्टॉल कर देगा, इसलिए आपको ऐसा करना है। ऐसा करने के बाद आपको इस इमेज प्लस है इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करना, ओके पर क्लिक करने के बाद आपको वो इमेज चुन लेनी है जो आप डालना चाहते हो। सो मैं इमेज ये डालना आपको बता देता हूँ। तो इसको इमेज को यहाँ से आप मूव करके यहाँ पर बराबर फिट कर दीजिए आपके हिसाब से, और अगर कोई पीछे टेक्स्ट आ रहा है तो पीछे से आप खाली कर दीजिए। इसके बाद में ये राइट का आइकन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये मूव नहीं हो रही, लेकिन आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको यहाँ पर जाना है और ऐसे करना है, और ये जो मूव टेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये यहाँ पर ऐसे शो होती है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूँ इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी ये ऐसे रहने दे और आप आगे का लिखते रहें। सो मेरी PDF फाइल यहाँ पर पूरी होती है तो मैं एक इमेज यहाँ पर भी डाल के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप कोई नेक्स्ट पेज में इमेज डालना चाहते हो, जैसे कि किसी खाली पेज में मैं सिर्फ इमेज डालना चाहता हूँ, तो आइए आपको प्लस का पेज आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आप प्लस इमेज पर क्लिक कीजिए और वो इमेज सुन लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट है ये सुन लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। सो ये बराबर फिट हो गया है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। सो मैंने ये स्क्रीनशॉट सुन लिया है। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ ये पेज बन गए हैं, आप देख सकते हो जितने बनाने थे बन गए हैं। इसके बाद में तो दोस्तों अगर आपको ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है ना, ये इमेज खिसक नहीं रही है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने पहले सेट कर दिया है तो वहाँ पर राइट कर दिया है तो फिर राइट हो गई है। इसके बाद में आपको ये आपको कुछ आई का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्रिएट PDF ओके ओके पर क्लिक करने के बाद आपको ये PDF कन्वर्टर आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ये देखिए हमारी Demo 3 फाइल बन गई है, आप देख सकते हो। मैं ओपन करके बता देता हूँ आपको, ये देख लीजिए, ये थोड़ी सी मूव नीचे हो गई थी इमेज, सॉरी यहाँ पर आ गई। ये देखिए हमने नेक्स्ट पेज में डाली थी तो वो इमेज ऐसे के ऐसे आ गई, आप देख सकते हो आसानी से। तो ये इसके अंदर डाली थी। अगर आप इसमें एडिशनल करना चाहते हो तो मैं आपको एक बार और उस इमेज में हम ऐड कर लेते हैं, हमने कैंसिल, ये फाइल हमारे पास मौजूद है, हम इसमें एडिट करना चाहते हैं तो इस इमेज पर क्लिक कीजिए और इमेज को थोड़ा सा ऊपर खिसके देता हूँ मैं, क्योंकि पहले बार कट गया था, फिर ओके कर देता हूँ और फिर मैं सेव कर देता हूँ। तो सेव हो गई हमारे पास ये 4 नंबर की फाइल, आप देख सकते हो। ओपन करता हूँ तो अब की बार देखिए ये पीछे से टेक्स्ट नहीं है, तो आपके पीछे के टेक्स्ट में जहाँ पर इमेज लगानी है वहाँ पर खाली स्पेस छोड़ दीजिए ताकि आपको वो आपका टेक्स्ट कटे नहीं। सो दोस्तों ये तो हमने सीख लिया टेक्स्ट से PDF बनाना, तो हम प्लस पर आइकन करते हैं और इमेज से PDF कैसे बनाते हैं। तो इमेज टू PDF आपको लिखा हुआ क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको फाइल का नाम दे देना है, कोई भी दे देना, मैं ऐसे ही दे देता हूँ। फिर इमेज सेलेक्ट कर लेना है जो देना साथ में, जैसे ये फर्स्ट इमेज है तो इसको कलेक्ट कर लिया आपने। फिर नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना होगा, इसमें थोड़ी सी एयरसन हो सकती है, फिर नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना, फिर इमेज सुन लेना, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना, फिर इमेज सुन लेना, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना, फिर इमेज सुन लेना। तो आपको ऐसे इमेज सुननी पड़ेगी और फिर कन्वर्ट पर क्लिक कर देना। सो ये भी फाइल बन गई है आपको, सॉरी ये भी फाइल बन गई है, आप देख सकते हो। मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ, मैंने इमेज सेट कर दी है, ये देख लीजिए। तो इमेज से भी इससे आपको PDF आसानी से बना सकते हो और आप इस PDF में सर्च भी कर सकते हो। जैसे आपने मैंने ये PDF बनाई है तो मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ, जैसे मैं इसमें सर्च करता हूँ Gmail, तो ये देखिए Gmail जहाँ पर GG था वहाँ पर इसने सर्च भी कर लिया है
और हिंदी में भी मैं अगर सर्च करता हूँ तो ये देखिए ब पर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये देखिए जहाँ पर प पर लिखा हुआ था वहाँ से इसने सर्च कर लिया। सो दोस्तों हमने इमेज से और टेक्स्ट से तो बनाना सीख लिया है, इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ। सो दोस्तों अब मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, उससे आप आसानी से अगर आप करना चाहते हो तो इमेज से टेक्स्ट से किसी से भी आप पीडीएफ बनाना सकते चाहते हो तो वहाँ से भी बना सकते हो। उस तो इसके लिए आपको ब्राउज़र ओपन करना है, ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है स्मॉल पीडीएफ। सो मैं टाइप कर लेता हूँ स्मॉल पीडीएफ, ये क्लिक करते ही ये फर्स्ट वेबसाइट आ गई है, इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप कैसे कैसे पीडीएफ बनाना चाहते हो, किससे बनाना चाहते हो। सो दोस्तों इससे इमेज से आप पीडीएफ बनाना आसानी से बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मैं आपको इमेज से बनाना बता देता हूँ। अगर इमेज से बनाना है तो आपको ये जेपीजी से पीडीएफ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको फाइलें सुनने पर क्लिक करना है, फाइलें सुने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही देखिए आपको इमेज जो जो सेलेक्ट करनी है आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं आपको बताने के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ और डन पर क्लिक कर देता हूँ। सो पहले ये फ़ोटो अपलोड होगा इस वेबसाइट पर, फिर आप पीडीएफ भी बनाए, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके पीडीएफ बन जाएगी और आपके मोबाइल में सेव भी हो जाएगी, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ ये पीडीएफ सारी मैंने बनाई है ये सेव हुई है या फिर नहीं, तो आपको बता देता हूँ। सो दोस्तों हमने बनाए, उसके लिए आपको फाइल मैनेजर में जाने के बाद अपने फाइलें जहाँ पर रखी है वहाँ पर जाना है और उसे एप्लीकेशन को पीडीएफ क्रिएटर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो ये इमेज हमने बनाए थे वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। सो हमने ये फाइल बनाई थी तो मैं ये गूगल ड्राइव पर आसानी से ओपन हो जाती है और सर्च बॉक्स में अगर आप सर्च करते हो तो आसानी से सर्च भी कर लेती। सो आप देख सकते हो ये वो सही नहीं थी तो मैं इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए तो दोस्तों इस तरह आप अपने मोबाइल से आसानी से पीडीएफ फाइल बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।